हाँ एवरी वन आज मैं आपको बताऊंगी कि ठंड के मौसम में विंटर्स में आप कैसे बहुत ही ईजी सिंपल मेकअप लोग कर सकते हैं और साथ में इसमें मैंने ये बोल्ड विंग्ड लाइनर बनाया है तो बहुत ही अच्छा लगता है करने के बाद में तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले आईब्रो बना लेते हैं और यहाँ पर मैंने बेनिफिट का आईब्रो पोमेड यूज़ किया है जो कि मैं हमेशा करती हूँ हर बार और आईब्रो पोमेड अगर आपको लेने हैं तो सबसे अच्छे में एक तो ये बेनिफिट दूसरा एनस्तासिया ये इनके आईब्रो पोमेड बहुत अच्छे हैं तो आप वो चेक कर सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पर मैं आईब्रो बना ली है मैंने और बेनिफिट का ही मैंने कंसीलर लिया है और बहुत ही अच्छा कंसीलर है ये फुल कवरेज है और बहुत ही अच्छा कंसीलर है ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा है तो इसको मैं इस तरह से फ्लैट ब्रश लिया है मैंने और सबसे पहले आईब्रो के नीचे लगा कर और इस तरह से हल्का सा इसको ब्लेंड कर दूंगी जिससे कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगी हमारी आईब्रो और बहुत अच्छा सा लुक लगेगा और सेम कंसीलर लेके यहाँ पे मैंने जोइवा का ब्रश लिया है कंसीलर ब्रश और इसको मैं इस तरह से पूरी आईज पर ब्लेंड कर दूंगी तो इस तरह से पूरे आईलेट पे और क्रीज़ पर हम कंसीलर लगा देंगे और हल्का सा यहाँ पे लूज पाउडर ज़रूर लगाना है जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए और ये शेड लिया है मैंने अब कोई भी चाहे तो आप शेड ले सकते हैं मतलब किसी भी पैलेट में से बहुत लाइट ब्राउन सा कोई भी शेड आप ले सकते हैं तो इसको लगाने के बाद में और अब मैंने सीधे ये लिया है जेल लाइनर और कीको मिलानो का है ये बहुत ही अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग जेल लाइनर है ये तो इस तरह से यहाँ पे विंग्ड लाइनर हमको बनाना है और थोड़ा थोड़ा करके मतलब आपको एक बार में पहले नहीं करना कि एक बार में पूरा थिक करके लगा लिया लगाने के बाद आपको देखना है कि कितना आपको थिक चाहिए है उस हिसाब से आप इसको करते जाइए और इसको यहाँ पे हम क्लीन कर लेंगे एजेस इसके इस तरह से और इसके बाद अब मैं यहाँ पर इसको फिल कर रही हूँ तो इस तरह से इसको हम लगा देंगे यहाँ पे और मेरी होडीडाइज़ भी हैं तो अगर आपके भी होडीडाइज़ हैं तो आपके ऊपर भी बहुत सूट करेगा ये और बहुत अच्छा लगेगा और अब इसके बाद में यहाँ पे मैंने कीको मिलानो का ये मस्कारा लिया है और मस्कारा लगा देंगे यहाँ पर हम अब और अब ये विंग हम बना रहे हैं यहाँ पे इनर कॉर्नर की तरफ तो ओवरऑल ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा और ये यहाँ पर लैशेज लगाई हैं मैंने और ये बिल्कुल नेचुरल सी लैशेज़ हैं तो ये मैंने यहाँ पे लगाई हैं आई लेर की लैशेज़ हैं ये तो इसको हम लगा देंगे और ऊपर से लाइनर मैंने लगाया है जिससे कि बिल्कुल भी हमारा ग्लू जो है वो नहीं दिखे बिल्कुल भी पता नहीं चले और अब ये सीरम लिया है मैंने जो कि डॉक्टर ऑर्गेनिक का है और इसको इस तरह से मैं फ़ेस पे लगा रही हूँ और सीरम लगाने में बस यही है कि आप अच्छे से इसको हल्का सा मसाज कर लें फेस पर जिससे कि ये बहुत अच्छे से आपके स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाए मतलब बिल्कुल ऊपर को रहना नहीं चाहिए बिल्कुल भी तो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए और अब इसके बाद ये प्राइमर लिया है मैंने जो कि शुगर का प्राइमर है और पूरे फेस पर इसको इस तरह से मैं यहाँ पर लगा रही हूँ इसको भी अच्छे से हम ब्लेंड कर देंगे पूरे फेस पर और ये फाउंडेशन अब मैंने लिया है नेक्स का और बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है अगर आपकी ड्राई स्किन है तो तो काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है ये और क्योंकि ये एच डी फाउंडेशन है और बहुत अच्छा लगता है फ़ोटोज़ वगैरह में भी काफ़ी अच्छा लगता है ये और इसका एक शेयर टू मीडियम कवरेज है इस फाउंडेशन का तो फुल कवरेज नहीं है ये तो फेस पे बहुत ही लाइट सा ये फील होता है काफ़ी अच्छा सा लगता है बाद में और कॉन्ट्रोलिंग स्टिक अब मैंने ली है ये शुगर की और इसको मैं नोज़ पे लगा रही हूँ ऑल दो मैं चीक्स वगैरह पे चाहती नहीं थी लगाना ऐसा कुछ प्लान नहीं था लेकिन वो मेरे हाथ में थी तो मैंने कहा चलो ठीक है लगा लेते थोड़ा सा चीक्स पे भी लगा लेते और इसको अब इस तरह से ब्लेंड कर दिया है मैंने और ये मैंने फ़्लैट ब्रश लिया है इसको ब्लेंड करने के लिए और हल्का सा फोर हेड पर मैं ब्रश ही बस ऐसे ही लगा दिया है अलग से नहीं लगाया वहाँ पर कॉन्टोर नहीं किया है और नोज़ पे अब हम इसको इस तरह से ब्लेंड कर देंगे और अब दोबारा से लिया है मैंने कंसीलर बेनिफिट वाला और अंडर आइज़ मैं इसको लगा रही हूँ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लगाना है बस इस तरह से करके और अब आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इस तरह से ब्लेंड कर लीजिए और दूसरी तरफ भी इसको हम इस तरह से ब्लेंड कर देंगे और पाउडर मैंने लिया है अब ये लूज पाउडर मेकअप रेवोल्यूशन का है ये और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम उसको लगाएंगे तो इस तरह से लगा देंगे हम यहाँ पे और थोड़ा सा पाउडर लेके हम फोरहेड के बीच में भी लगा देंगे इसको और कॉम्पैक्ट मैंने लिया है और पूरे फेस पर मैं इसको लगाऊंगी जिससे कि हमारा फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाएगा तो पहले नोज पे बाकी हम चीक्स वगैरह पे जहाँ पे कंटूरिंग किया है वहाँ पर भी इसको लगाना है अब इसके बाद ये ब्लश लिया है मैंने और ये क्लिनिक का ब्लश है और कोई भी मतलब दूसरा और कोई ब्लश आप ले सकते हैं जो भी आपके पास हो और ये कॉन्ट्रोलिंग वगैरह भी करना मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है तो यहाँ पे मैंने ब्लश लगा दिया है इस तरह से इसको हम लगा देंगे और अब ये हाइलाइटर लिया है मैंने और ये बैका का हाइलाइटर है और बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है ये बहुत हल्का सा ही मैंने लगाया है यहाँ पर इसको तो हल्का सा फोरहेड के साइड में और चेक बोन हम इसको, इसको इस तरह से लगा देंगे और नोज़ पर भी इसको मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ तो नोज़ काफ़ी स्ट्रेट सी लगने लगती है और दोबारा से आइस पे चलते हैं सेम कलर जो मैंने पहले लगाया था वही मैं यहाँ पे लगा रही हूँ और थोड़ा सा लगा कर इसको बस हम हल्का सा ब्लेंड कर देंगे और ये मैंने न्यूट पेंसिल लिया है ये कीको मिलानो की है इसको लगाएंगे और मस्कारा जो मैंने पहले लगाया था कीको मिलानो का सेम वही मस्कारा मैं यहाँ पे लगा रही हूँ तो आइज यहाँ पे हमारी कंप्लीट है हल्का सा कंसीलर लिप्स पे लगा देंगे और ये दो कॉम्बिनेशन लिए हैं मैंने तो सबसे पहले ये कीको की लिप पेंसिल मैंने लगाई है और इसके बाद में जो मिलानी की लिपस्टिक थी वो इसके ऊपर हम लगाएंगे और पूरी लिप्स पर इसको फिल कर देंगे हम यहाँ पे और अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लगा ली है और एंड में हम सेटिंग स्प्रे ज़रूर लगाएंगे तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट का सेटिंग स्प्रे लिया है जो कि ड्यूई फिनिश में है तो ठंड में इस तरह का फिनिश का बहुत अच्छा रहता है ड्यूई फिनिश का कोई भी सेटिंग स्प्रे तो इसको पूरे फेस पे मैंने लगा लिया है और बस यहाँ पे लुक खत्म है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो और मुझको आप इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा सारे कुछ लिंक जो भी मैंने यूज़ किया है प्रोडक्ट्स वगैरह वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो वो ज़रूर चेक कीजिएगा सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग